अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे आगे नाच रहा था, ये यहाँ से जा रहा है, और मेरा व्लॉग का पार्टनर भी आ चुका है। मेरे पार्टनर कैसे हो और बताओ क्या कर रहे हो मानो के साथ। और मेरी मुन्नी यहाँ पे आ चुकी है। मानो मानो इडलाओ इडला मेरी मानो, क्या चलिए मानो क्या हो रहा है तुम्हारे। ये सो के उठी है अभी मुन्नी। हाँ कहा मानो जाओ जाओ खेले खेले। ये हमारी मानो भाग चुकी है यहाँ से। तो आज का सीन कुछ ये है कि मैंने एक पापा देखा है यहाँ से। मैं अपने परिंदों को चारा देता हूँ, तो पैसे लेंगे घर से और वहाँ वो मुर्गा परचेज करने जाएंगे। और अभी मैं जली लेके आ गया हूँ, मेरे को जली की थोड़ी सी मीठे की तरह बोली थी, तो मैं यहाँ पे जली लेके आ गया हूँ। जली खोलते हैं और खूब जली खाते हैं। और कल मैंने आपसे बोला था कि मैं एक लेकर आऊँगा डफ का पैर, तो डफ का पैर मैं नहीं ला सका क्योंकि कल रात में मैं काफ़ी बिजी था। तो आज ये कल में जाके मैं एक डफ का पैर और एक वाइट मुर्गा जो मैंने देखा था वो जाके मैं ले आऊँगा। और कबूतर जो है हम इतवार को संडे मार्केट से लेकर आएंगे हम कबूतर, और लकी पिजन्स उसमें आएंगे, और हमारे शिराजी आएंगे, किंग के कबूतर आएंगे और लखा आएंगे, बहुत सारे कबूतर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये है जली, खोलते हैं जली और खाते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं जली, ये ही जली। तो चलते हैं अपने बर्ड्स के पास, देखते हैं हमारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो जी मैं आ चुका हूँ, जा रहा हूँ अपने परिंदे के पास, और मैं अपने परिंदे के पास पहुँच चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे सारे परिंदे हैं, और ये हमारा कॉकटेल, कॉकटेल में हमने ये मटकी लगा दी है, और ये हम बड़ी मटकी लेकर आएंगे मज़ीद। और यहाँ पे हमारा मिट्ठू, इसमें भी हमने बॉक्स लगा दिया है, आज इसका मूड अच्छा है तो ये बातें कर रहा है। और बाकी हमने फिंचेस में से वाला बॉक्स हटा दिया और दो मटकियाँ लगा दिए, आज एक और मटकी लेकर आएंगे। क्या हुआ हाँ क्या हुआ मिट्टी को, क्या हो गया। हाँ हाँ मिट्टू, हाँ मिट्टू है मिट्टू। क्या हो गया रोटी खानी है, रोटी खानी है मिट्टू को, मिट्टू कैमरा कर लिया, कैमरा टूट जाएगा। ये भी बोलने लगी, अंदर वाला भी बोलने लगेगा टूट गई। आज धूप निकली है, आप बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छी धूप निकली है, इस वजह से आज इन सबका मूड काफ़ी ठीक है। सबकी आंखें खुली हैं, सबने घरों में से मुँह निकाला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिट्ठू हमारा, हाँ ये हमारी फिंचेस हमेशा की तरह एक खुदकती रहती है, और ये हमारे बच्ची तोते हैं। ये वो वाइट फीमेल आई है, वो रही बाहर फीमेल, और ये रहा उसका मेल, और उन दोनों का पैर भी लग चुका है, और उन दोनों का पैर लग चुका है, और एक यहाँ बैठी हुई है एक यहाँ बैठी हुई है। बाकी चारों बॉक्सेस में कोई ना कोई गया हुआ है, और ये येलो येलो का पैर इसके साथ लग गया है। और ऊपर देखते हैं हमारे फिशर की क्या हाल है। हाँ जी की हाल है, तोड़ो की हाल है। अभी मैं आपको अंडे दिखाता हूँ, आज मैं अंडे आप अंडे दिखा दूँगा, एक सेकेंड रुके।
तो मैं आ चुका हूँ दूसरे कैमरे से। दूसरे कैमरे से मैं आपको इसके अंदर का हाल दिखा देता हूँ। नीचे अंदर फीमेल बैठी हुई है, अभी गिरता वो देखें, अंडा आपको नज़र आ रहा होगा, एक और दो और अंडे वहाँ पर रखे हुए हैं। और ये साहब मेरे पास आ चुके हैं क्योंकि मैं इनकी फीमेल को छेड़ना दूँ, तो इन इसके 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 केज को वापस से सही करके लगा देते हैं ताकि ये, और ये मानो आ चुकी है, अभी इसका केज में लगा देता हूँ सही करके। तो इसका केज मैं यहाँ से उठा देता हूँ और इसको सही कर देता हूँ, और ये इसका केज सही हो चुका है। यहाँ से किंग की हटा देता हूँ, इसका केज हो चुका है सही। मैं यहाँ से काटेगा यहाँ पे हमारे कॉकटेल हंसने मामूल यहीं भटक रहे हैं। तो चलते हैं दूसरे कैमरे की तरफ। और ये लाल है करना शुरू नहीं करेगा क्योंकि आज इसने लाल शर्ट पहनी हुई है। और ये हमारी मानो बैठी हुई है, मानो को कल हमने नहलाना है। और आज छत पे कपड़े डले हुए हैं, सबको बुला लेते हैं यहाँ पे। ओ ये सारे आ चुके हैं, मुर्गा ये आ चुका है यहाँ पे हमारा। और लाल मछली जो आपको कल सब बीमार लग रहे थे, आज सब के सब एक्टिव हैं, बिल अल्हम्दुलिल्लाह से सब एक्टिव हैं। और मानो को हम यहाँ पे छोड़ने लगे हैं, जाओ मानो। अभी हम खुद भी आज जाते हैं और देखते हैं। इसने मेरे को कुछ हैंड स्टोर की कुछ सेटिंग दिखाई थी, तो पहले चलते हैं हैंड स्टोर की तरफ। रजा भाई यहाँ से कपड़े उठाओ, यहाँ से हम उठा लेते हैं जी ब्रश। और यहाँ पे भी कुछ सफाई लग रही है मेरे को, तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये इसने यहाँ पे क्या किया, मैं ऊपर की तरफ कैमरा करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऊपर लगी हुई है पेटियाँ। तो यहाँ पे दो पेटियाँ इसने ज़ाया कर दी हैं, और यहाँ पे इसने ये बैठने के लिए बनाया है, इनके बाल्टी है। और इस तरफ इसने क्या क्या किया, इसके अंदर इसने पेटियाँ लगा दी ताकि वहाँ पे लग जाए। और आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है। तो चलते हैं जी अपने शटर के नीचे, और शान और शौकत से आज हम नहीं मिले, तो ज़रा शान और शौकत से भी मुलाकात कर लेते हैं। चलते हैं शान और शौकत के पास और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ भाई की हाल है थोड़ा, ये मेरे को अभी काटने लगा था, बहुत अच्छी बात है मैं बच गया। और मेरे परिंदों को जो है मेरे को कल मैंने किसी एक डॉक्टर को दिखाया था, इन सब की वीडियोस दिखाई थी, तो उसने कहा है कि इन सबको जो है नज़ला हो गया है और इनको बुखार भी चढ़ सकता है। इसमें भी देखें असील की नाक पे भी कचरा जम चुका है, सबकी नाक पे थोड़ा थोड़ा कचरा जमा हुआ है, कचरा नहीं खैर वो नाक जमी हुई है। ये जा रहा है जी शान शौकत के साथ खेलने, वो देखें ये हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि छत की सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। हम नीचे चलते हैं, शहद की मक्खी आई हुई है, चलते हैं नीचे हटाते हैं। बहुत सारी शहद की मक्खी आई हुई है, चलते हैं नीचे। और ये देख रहा है शहद की मक्खियाँ और तो नहीं है, बहुत सारी शहद की मक्खियाँ थी। तो
साफ सुथरा होते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, शाम में हम चलेंगे मक्खी को, शाम में हम मुर्गियों के पास चलेंगे। फिर मैं आपको बताऊँ क्या सिचुएशन है। तो मैं आ चुका था नीचे, तो ऑफ कैमरा में ऊपर गया था, मैंने पूरा कवर अप होके मैंने ऊपर आग लगाई, पूरी छत पे धुआं धुआं किया और इतनी सारी शहद की मक्खियाँ निकली। कुछ ने तो मेरे हाथ पे काट लिया था, लेकिन वो मैंने बर्वक्त उस पर मेडिसिन लगा के मेरा हाथ ठीक हो गया था। तो अभी चलते हैं पौधों के पास, रात हो चुकी है तो पौधों के पास चलते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन है पौधों की, फिर करते हैं हम ब्लॉग को एंड। चुका हूँ मैं बैलगनी में, बैलगनी में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस कड़ी करेले से। करेले की ग्रोथ अच्छी हो चुकी है, लूसन हमारा बंद हो चुका है और कड़ी पत्ता ये रहा, किसी भी पौधे को हम नहीं छेड़ेंगे। और अजवाइन, लीमू और इसमें से तुरैयाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं, ये देखें और तुरैयाँ निकल रही हैं मज़ीद। ये हमारी तुरई बेड और काफ़ी लंबी भी हो गई है पौधे के, वो वहाँ तक पहुँच गई है। और ये टमाटर भी हमारा अच्छा हो रहा है, और मैंने इसमें जो है मैंने इसमें आलू लगा दिया है, और जो मैंने हरी प्याज लगाई थी और आज लोबिया वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि लोबिया बड़ा नहीं हो रहा था और हरी प्याज का इतना कोई वो नहीं था हमारा, तो मैंने इसमें आलू लगा दिए हैं। और ऊपर वाली क्यारी भी मैं जल्द अज जल्द मिट्टी से भरने वाला हूँ। तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।